इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल ऑल प्रेजिज एंड थैंक्स आर ड्यू टू अल्लाह ब्लेसिंग्स एंड पीस बी अपॉन हिज मैसेंजर माई डियर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड डिवीजन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस लेक्चर वी विल कवर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस देन वी विल मूव टू मैक्सिमम पावर आउटपुट देन वी विल स्टडी किरचॉफ्स रूल्स उसमें फर्स्ट और सेकेंड रूल डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल स्टडी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ्स रूल्स जो कि जिनमें हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो हम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा कुछ सर्किट्स भी डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकेंड रूल एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टूडेज लेक्चर विल बी द पोटेंशियोमीटर उसमें हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर जो है वो किस किस पर्पज के लिए काम कर सकता है और कैसे काम करता है सो फर्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफरेंट वेज में डिफाइन किया जा सकता है द फर्स्ट वे कैन बी इट इज द एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट चार्ज बाय द सेल सेल जो यूनिट चार्ज को एनर्जी देगा उस एनर्जी को हम नाम देते हैं दैट इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अनदर वर्ड्स वी कैन से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज बेसिकली इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल कब पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल में से करंट जो है वो कोई ड्रॉ नहीं किया जाता तो याद रखिएगा जब सेल में से करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा होता तो उस सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही कहा जाता है एंड द थर्ड वे कैन बी एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय द सेल वाइल मूविंग इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टर्मिनल टू द हाई पोटेंशियल टर्मिनल इनसाइड द सेल या बैटरी तो हमारे पास ये डेफिनेशन क्या है ये डेफिनेशन कह रही है कि सेल के अंदर जब चार्जेस अब हम कन्वेंशनली अगर बात करें तो चूंकि पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जब सर्किट में मूव करके मिसाल के तौर पे इस सर्किट में देखें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सर्किट में मूव करके जब नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचता है या सेल क्या करता है उस चार्ज को जो यहाँ पे रिसीव हुआ उसको दूसरे टर्मिनल के ऊपर जो है वो पुश करता है इस दौरान में सेल जो है वो चार्ज के ऊपर वर्क करता है या कह लें कि उसको एनर्जी सप्लाई करता है तो जो भी एनर्जी चार्ज को सप्लाई करेगा सेल या बैटरी उस एनर्जी को हम नाम देंगे इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ये सारा कुछ इनसाइड द सेल हो रहा है और इसको हम यूं भी डिस्क्राइब कर सकते हैं दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट वे टू अंडरस्टैंड के चार्ज को एनर्जी जो बैटरी दे रही है इनसाइड द सेल उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम दे रहे हैं इट इज सिंबलाइजिंग द बैटरी और ये क्या कर रहा है ये बैटरी क्या कर रही है या सेल क्या कर रहा है चार्जेस को हाई पोटेंशियल पे लाके छोड़ रहा है ये चार्जेस यहाँ से हाई पोटेंशियल से मूव करेंगे टूवर्ड्स द लो पोटेंशियल ये चार्जेस यहाँ पे लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं और अल्टीमेटली जब लो पोटेंशियल पे यहाँ पे चार्ज रिसीव होते हैं तो ये सेल या बैटरी दोबारा से क्या करती है उनको यहाँ से लो पोटेंशियल से पिक करके दोबारा तो उनको क्या करती है एनर्जाइज करती है और दोबारा से उसी जगह पे ला के फिर छोड़ देती है तो ई एम एफ क्या है इट इज बेसिकली द एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय द सेल वाइल मूविंग इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टर्मिनल टू द हाई पोटेंशियल टर्मिनल मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं ई एम एफ इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज अब यहाँ पे क्लियरली हम याद रखेंगे कि ई एम एफ बाय नेम तो यहाँ पे फोर्स का वर्ड आ रहा है लेकिन ये एग्जैक्टली फोर्स नहीं होती ये बेसिकली क्या है इट इज द वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज तो इसके यूनिट्स फिर हमारे पास क्या बनेंगे इसके यूनिट्स बनेंगे जौल पर कूलम और जौल पर कूलम किसके बराबर होता है वोल्ट के बराबर होता है मतलब ई एम एफ जो है हमारे पास होता पोटेंशियल डिफरेंस ही है लेकिन हम इसको जब डिस्कस करते हैं बाय डेफिनेशन तो वी कैन से कि ई एम एफ इज बेसिकली द मेजर ऑफ दैट फोर्स जो कि बैटरी इनसाइड चार्जेस को मूवमेंट करवाने में पुश करने में लगा रही होती है अब उस एग्जैक्ट फोर्स को तो नहीं हम ई एम एफ नाम देते उसको जब उस फोर्स से वर्क और वर्क को फिर एनर्जी की फॉर्म में डिस्कस करते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम यूज करते हैं अब अगर बात की जाए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया जा सकता है इन वन और टू वेज लाइक यहाँ पे हमने ये लिखे हुए हैं फर्स्ट वे कैन बी
एनर्जी लॉस्ट बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाइल मूविंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट. तो प्रीवियसली ईएमएफ क्या थी, जो चार्ज एनर्जी गेन करता था फ्रॉम द बैटरी, और कब गेन करता था, जब चार्ज जो है वो बैटरी या सेल के अंदर लो पोटेंशियल से मूव करता था हाई पोटेंशियल की तरफ. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली कन्वेंशनल करंट्स. तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या है, जो एनर्जी चार्ज डिसिपेट करेगा एक्सटर्नल सर्किट में मूव करते हुए, यूनिट चार्ज जो एनर्जी डिसिपेट करेगा उस एनर्जी को हम डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, इट इज द एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट चार्ज. दिस डेल्टा क्यू इज अगेन द सेम यूनिट चार्ज. तो एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट चार्ज जो है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. इसको सेकेंड वे में इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि बैटरी या सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कब, जब बैटरी या सेल में से करंट जो है वो ड्रॉ किया जाए, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान, अब ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान अगर हम मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो डिस्कस करना चाहें, तो हेयर इज अ सर्किट. लेट्स कंसीडर, ये मेरे पास एक बैटरी है. इस बैटरी के ईएमएफ की वैल्यू जो है वो लेट्स से क्या है, इट इज ई. इस बैटरी के ईएमएफ मेरे पास ई है, और इस बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि हम कहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होती है जो चार्जेस को बियर करना पड़ती है जबकि चार्जेस मूव कर रहे हैं बैटरी के अंदर. जैसा कि हमने ईएमएफ को डिफाइन किया, सेल के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए बैटरी जो एनर्जी देती है उसको, चार्ज को, वो एनर्जी हम कहते हैं ईएमएफ है. अब जब चार्जेस मूव करेंगे तो डेफिनेटली चार्जेस इलेक्ट्रोलाइट में से मूव कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स उन चार्जेस को जो हिंड्रेंस देते हैं उसको नाम दिया जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. तो यहाँ पे हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से लेबल कर लिया, और हमारे पास ये आर कैपिटल क्या है, इट इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो यहाँ से जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, इसको जो है वो अप्लाई करने के बाद फाइनल जो रिलेशन हमारे पास सिंप्लीफाई होता है, दैट रिलेशन टर्न्स आउट टू बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस आईआर, वेयर ये वाला आईआर जो है इट इज व्हाट, इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप जो के इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा. तो ये रिलेशन हमारे पास जनरल जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के दरमियान में है, जबकि बैटरी जो है वो सर्किट में एनर्जी के सोर्स के तौर पे काम कर रही हो, या सेल जो है वो सर्किट के अंदर एनर्जी जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो किसी ना किसी रेजिस्टर को जो है प्रोवाइड कर रहा हो. आसान अल्फाज में सेल जब डिस्चार्ज हो रहा हो तो ये वाला रिलेशन जो है होल्ड करता है. इसके अलावा जो रिलेशंस हैं जिसके अंदर सेल की चार्जिंग होती है वो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं. तो फॉर द टाइमिंग ईएमएफ इज द एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज जबकि बैटरी के अंदर मूव कर रहा है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट इज द एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज. और दोनों के दरमियान, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान, ये वाला रिलेशन कह रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू ईएमएफ. कब कब, जब जब बैटरी जो है डिस्चार्ज हो रही होगी या सेल जो है डिस्चार्ज हो रहा होगा. जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इन टर्म्स ऑफ, अगर एनर्जी हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास ये दो सर्किट्स हैं. इन इस वाले सर्किट के अंदर, फर्स्ट वन के अंदर, देर इज अ सिंगल बल्ब जो कि एनर्जी को डिसिपेट करेगा, जो एनर्जी चार्ज यहाँ से बैटरी से लेके आएगा. और इस वाले सर्किट के अंदर हमारे पास क्या है, इस वाले सर्किट के अंदर हमारे पास दो बल्ब्स कनेक्ट कर दिए, मींस एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइसेस जो हैं वो दो हो गए. अब इस सर्किट के अंदर बेसिकली क्या है, इस वाले सर्किट के अंदर जब चार्जेस मूव करेंगे तो बैटरी से एनर्जी लेके निकलेंगे. ग्रीन डॉट्स यहां पे जो नजर आ रहे हैं इन बसेस के ऊपर, वो बेसिकली एनर्जी पैकेट्स हैं. तो ये चार्जेस जब मूव करेंगे तो सारी की सारी अपनी एनर्जी जो है, ये वाली एनर्जी आफ्टर मूविंग फ्रॉम द बैटरी, ऑब्वियसली बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी अपनी इलेक्ट्रोलाइट में अपनी एनर्जी डिसिपेट करके फिर बाहर निकलेंगे.
अब जब ये चार्जेस इस बल्ब में से पास करेंगे तो सारे के सारे वो ग्रीन वाले जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं वो इस बल्ब को ग्लो करवाने में लगा देंगे। आफ्टर दैट हम बोलेंगे ये बैटरी के लो पोटेंशियल टर्मिनल पे रिसीव हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जितनी भी एनर्जी बैटरी देगी वो ड्रॉप जो है उस एनर्जी का या वो एनर्जी डिसिपेशन जो है वो क्या होगी, इस वाले अकेले बल्ब में होगी। जबकि इस केस में क्या है, वो जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी थे वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे दो बल्ब्स में डिवाइड हो जाएंगे। तीन पैकेट्स ऑफ एनर्जी मिसाल के तौर पे ये वाला बल्ब खा रहा है तो बाकी के तीन पैकेट्स ऑफ एनर्जी ये वाला बल्ब खाएगा। तो जो भी एनर्जी जो है वो यूनिट चार्ज डिसिपेट करेगा, चाहे इस सर्किट में एक्सटर्नली मूव करने में, चाहे इस सर्किट में एक्सटर्नली मूव करने में, वो जो भी एनर्जी होगी पर यूनिट चार्ज उसको हम नाम देंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। और यहाँ पे जो बैटरीज के वोल्टेजेस लेबल्ड हैं ये चूंकि करंट फ्लो वाले स्टेटस में हैं तो ये दोनों जो यहाँ पे लेबल्ड हैं वोल्टेजेस, ये बेसिकली क्या है हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस की वैल्यूज हैं। ईएमएफ की वैल्यू ऑब्वियसली स्लाइटली ज्यादा होगी, या अगर इसको ईएमएफ मान लिया जाए तो यहाँ पे फिर जो वोल्टेज होगी वो 6 वोल्ट से स्लाइटली लेसर होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसा कि हमने पहले देख लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस किस वजह से होती है, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट। एंड देन हमारे पास पॉइंट है, की पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब प्रीवियसली हमने देखा था कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशन क्या था। हमने कहा था कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है या सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है सर्किट में, तो तब क्या था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से स्मॉलर था। तो वो जो केस हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था वो यहाँ पे ये सेकंड केस है कि फॉर क्लोज्ड सर्किट जब बैटरी से करंट ड्रॉ हो रहा हो तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन ये वाला होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज स्मॉलर देन ईएमएफ। और ये मैथमेटिकल रिलेशन जो है ये वही है जो प्रीवियसली हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ से डिराइव भी किया था। किरचॉफ वोल्टेज लॉ सीख पाई है, लिखना जो है वो इसके बाद हम सीखेंगे भी। अच्छा, अगर हम बात करें ओपन सर्किट में, मतलब सेल जो है उससे हम करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, तो सेल में से जब करंट ड्रॉ नहीं करते तो याद रखिएगा सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम ईएमएफ का नाम देंगे। मींस टू से उस केस में हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल होगा वो ईएमएफ के बराबर ही होगा। एंड थर्ड पॉइंट, जब सेल या बैटरी को हम चार्ज कर रहे होते हैं किसी चार्जर के जरिए से, तो किसी भी बैटरी या सेल को जब चार्ज अप किया जाता है तो उस केस में हमारे पास ये वाले रिलेशन के अंदर ये नेगेटिव साइन जो है वो मॉडिफाई होके पॉजिटिव साइन बन जाता है और हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका स्टेटस क्या आता है, वो ईएमएफ से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ईएमएफ जो है, दिस इज़ वेरी सिंपल पॉइंट, ईएमएफ जो है वो बेसिकली सर्किट में कॉज का काम करती है। मीन्स ईएमएफ होगी तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके एग्जिस्ट करने का सवाल पैदा होता है। अगर ईएमएफ प्रेजेंट नहीं है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन ही नहीं जो है वो रेस होता। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट है, व्हेन करंट इज ड्रॉन थ्रू अ सोर्स इज इंक्रीज देन वी टी विल। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास ये रिलेशन अमूमन जब हम यूज करते हैं, जब हमारे पास सेल या बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, तो अगर हम करंट ड्रॉन जो है, जो सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज करें, तो ये वाली जो टर्म है इसका आंसर इंक्रीज करेगा। और ये ईएमएफ की वैल्यू तो चूंकि कांस्टेंट है तो ओवरऑल इस डिफरेंस का आंसर क्या करना शुरू कर देगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो हम बोलेंगे करंट जो है वो जब ज़्यादा ड्रॉ किया जाता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं एमसीक्यू। स्टेटमेंट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 30 वोल्ट। तो हमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 5 ओम है और ऐसी बैटरी से कनेक्टेड है जिसकी ईएमएफ की वैल्यू क्या है, 30 वोल्ट है। कहता है इफ करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज 5 एम्पियर, दिस इज द करंट पासिंग थ्रू सर्किट, देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो हमारे पास रिलेशन क्या था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट वॉज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई इंटू स्मॉल आर। अब इस रिलेशन में अगर हम इस वाले टर्मिनल पोटेंशियल की बात करें तो ये बराबर होता है आई टाइम्स कैपिटल आर के एंड इट इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो यहाँ से अगर हम स्मॉल आर के लिए चीज़ों को सेपरेट करें और वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास करंट कितना है, करंट इज 5 एम्पेयर
मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, इट इज 5, और उसके बाद इस साइड पे ईएमएफ की वैल्यू क्या है, इट इज 30, माइनस क्या है 5 इंटू स्मॉल आर। तो यहां से 5 स्मॉल आर इस साइड पे अगर दूसरी साइड पे लेके जाएं और ये चीज इधर लेके आए तो हमारे पास फाइनल आंसर आर का आएगा, इट विल बी 1 ओहम। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, इट विल बी 1 ओहम। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम पावर आउटपुट। अब मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है, अगर हम किसी भी रजिस्टर में से निकालना चाहें या ये चेक करना चाहें कि कोई भी रजिस्टर कब मैक्सिमम पावर जो है वो आउटपुट में अचीव करेगा फ्रॉम द बैटरी, उसको हम जो है वो रिलेशन देख लेते हैं मैथमेटिकल क्या होगा उस केस में। पावर डिसिपेशन का रिलेशन अमूमन जो सीरीज सर्किट्स में यूज करते हैं, दैट इज आई स्क्वेयर इंटू आर। अब ये वाला पावर रिलेशन मैं यूज करने जा रहा हूं, ये जो सर्किट हमने यहां पे डिस्कस किया था ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, हमने जो सर्किट बेसिक पढ़ा था उनके रिलेशन बनाने के लिए। इस सर्किट के अंदर एक हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और दूसरी क्या है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, और दोनों क्या है सीरीज में लगी हुई है। तो चूंकि ये सीरीज सर्किट हमारे पास बन रहा है, तो यहाँ पे फिर हम अपनी जो पावर डिसिपेशन है उसके लिए बेस्ट फॉर्मूला जो यूज करेंगे, दैट फॉर्मूला विल बी आई स्क्वेयर इंटू आर। इसमें अगर आई की वैल्यू मैं पुट करूं बाय फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाला रिलेशन, उसको सिंप्लीफाई करके, तो मेरे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी। इसको फर्दर मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस चीज को ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं पावर को मैक्सिमाइज करना चाहूँ, तो व्हाट आई हैव टू डू इज कि मैं क्या करूँगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है उसकी वैल्यू चेंज करके उसको इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर करूँगा। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो चेंज होकर इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, तो ये जो डिनोमिनेटर फैक्टर है मेरे पास यहाँ पे, इसकी वैल्यू मिनिमाइज हो जाएगी। इसकी वैल्यू मिनिमाइज होगी तो पावर आउट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। एक यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन नहीं है, ये साइन जो है इसको चेंज कर लीजिएगा, दिस इज नेगेटिव साइन। तो जब मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल पुट करूंगा, तो मेरे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा मैक्सिमम पावर आउटपुट का, स्टूडेंट्स वो याद रखिएगा, दैट इज ई स्क्वेयर ओवर 4 आर। यहाँ पे ई क्या है, ई एम एफ ऑफ द सेल या बैटरी, और आर क्या है, इट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब हम देख लेते हैं जल्दी से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर सेल्स को हम डिफरेंट फैशंस में कनेक्ट करें, तो हमारे पास जो है वो आउटपुट पे या हमारे पास जो सर्किट के अंदर वोल्टेजेस हैं उनकी वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ेगा, या इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ सेल जो हैं उनकी वैल्यूज पे, टोटल वैल्यूज पे क्या क्या चेंजेस आएंगी, ये देख लेते हैं। पहले नंबर पे हम डिस्कस कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। स्टूडेंट, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे आर जॉइंड एंड टू एंड। कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था, इसको हमने एंड टू एंड कॉम्बिनेशन नाम दिया था। तो अगर सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट करना है, तो वन वे इज के हम इनको एंड टू एंड कनेक्ट करें इस तरह से कि एक सेल का जो हाई पोटेंशियल टर्मिनल है वो अगले वाले सेल का हाई पोटेंशियल टर्मिनल, उससे नेक्स्ट वाले टर्मिनल के लो के साथ। सो इस तरह से हमारे पास कनेक्शन किया गया है कि हाई पोटेंशियल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विद द लो पोटेंशियल ऑफ अनदर एंड सो ऑन। तो इस तरह हमारे पास अब सर्किट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ईएमएफ की बात करें, तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ। मतलब अगर मेरे पास ये सेल्स सारे, यहाँ पे तीन मैंने जो सेल्स कनेक्ट किए हैं, सारों की ईएमएफ जो है वो ई है, तो मेरे पास जो टोटल ईएमएफ इस सर्किट के लिए आएगी, दैट टोटल ईएमएफ विल बी, इस सर्किट के लिए क्या आएगी, इट विल बी 3E। और अगर जनरली मैं बात करूं, तो मेरे पास टोटल ईएमएफ की वैल्यू जो है, दैट विल बी इक्वल टू एन टाइम्स ई, वेयर एन क्या होंगे, आइडेंटिकल नंबर ऑफ सेल्स हैं जो हम यहां पे सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। सेकंड थिंग इज द करंट इन ईच सेल इज द सेम एंड इज आइडेंटिकल विद द करंट इन द इंटायर अरेंजमेंट। सीरीज सर्किट की ये प्रॉपर्टी रेजिस्टर्स के लिए भी ट्रू थी कि रेजिस्टर्स में, सारे के सारे रेजिस्टर्स में सीरीज में अगर उनका कनेक्शन है, तो उन सारों में करंट जो है सेम पास करता है। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे, चूंकि ये सारी की सारी रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में हैं, तो सारी रेजिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। अब हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल हों और उनका सीरीज कॉम्बिनेशन लिया जाए, तो जो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है,
that equivalent resistance is number of resistors multiplied by resistance of one resistor. तो उसी के accordingly हमारे पास total यहाँ पे resistance internal cells की क्या बनेगी, it will be n times r. अगर तीन cells के लिए बात किया जाए तो that will be obviously 3R. और next अगर हम बात करें total resistance of the circuit, तो total resistance of circuit किसके बराबर आएगी, हमारे पास resistance, total resistance of cells plus इसमें हम क्या करेंगे resistance external वाली add कर लेंगे, चूंकि वो भी series में आ रही है बाकी resistances के, तो ये हमारे पास total resistance of circuit आ जाएगी. और अगर total current का expression लिखा जाए तो total current का expression क्या आएगा, NE जो कि अब total EMF है, divided by ये चीज क्या है, it is the total resistance of circuit. तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल करंट क्या आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस. अब यहां पे इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड जो है एक दो की पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से वेरी वेरी स्मॉल हो, तो तब हमारे पास इस वाले एक्सटर्नल रेजिस्टर को यहां पे हम इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा सिंपली ईएमएफ ओवर R, small r, that small r is what it is, internal resistance of one cell. और similarly अगर हमारे पास आ जाए if nr, that is total internal resistance is much much smaller as compared to external resistance, तो तब हमारे पास current का expression simplify होके ये बन जाएगा. These are very simple things to understand. अब हमारे पास conclusion क्या आया फिर यहाँ पे, when internal resistance is negligible in comparison to external resistance, then the cells are connected in series to get the maximum current. तो इस केस में करंट की वैल्यू क्या होगी, it will be maximum. किस केस में, जब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट है सेल्स इन सीरीज को ही थोड़ा सा मजीद और इलेबोरेट कर लेते हैं. प्रीवियस में हमने जो कनेक्शन देखा था उसमें कहा था हमने लो पोटेंशियल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द हाई पोटेंशियल ऑफ अदर सेल. ये मेरे पास दो सेल्स हैं, एक का लो दूसरे के क्या है हाई पोटेंशियल से जो है वो जुड़ा हुआ है. तो इस केस में टोटल ईएमएफ कैसे आती थी, दोनों सेल्स की ईएमएफ या जितने सेल्स लगे हुए हैं उनकी ईएमएफ को एड करके. लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर सेल्स का कनेक्शन ऐसा आ जाए कि दो सिमिलर टर्मिनल्स मतलब लो पोटेंशियल इस वाले सेल का और लो पोटेंशियल इस वाले सेल का दोनों को आप एक जगह पे इकट्ठा कर दें, तो उस केस में हमारे पास जो टोटल ईएमएफ आएगी वो टोटल ईएमएफ अब एडिशन से नहीं आएगी बल्कि इस केस में टोटल ईएमएफ कैसे आया करेगी, दोनों सेल्स की ईएमएफ का डिफरेंस लेने से. सो इन बोथ केसेस दिस इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. मतलब इससे मुराद हमारी क्या है कि चाहे हम ये वाला केस बात करें चाहे ये वाला, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो दोनों केसेस में क्या है ऐड करके ही आएगी, R प्लस R, दो तीन चार जितने भी सेल्स हैं उन सारों की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो दोनों केसेस में, चाहे ये वाला कनेक्शन हो चाहे हमारे पास ये वाला कनेक्शन हो, रेजिस्टेंस इंटरनल दोनों केसेस में ऐड करके आएगी लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जो है उसकी वैल्यू एक में एडिशन होगी दूसरे में सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट देख लेते हैं सेल्स अगर पैरेलल में लगे हो, तो स्टूडेंट्स वही वाली प्रॉपर्टीज विद 180 डिग्री रिवर्सल मतलब उनके अंदर चेंजेस आते जाएंगे. प्रीवियसली हमने कहा था ईएमएफ्स ऐड होती हैं लेकिन करंट सेम रहता है. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सारे सेल्स की जो ईएमएफ है वो तो सेम रहेगी और टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी या टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट भी सेम ई के बराबर ही रहेगी, ईएमएफ चेंज नहीं होगी. हाँ बहरहाल यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द सेल्स. कहने से मुराद के यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो कैसे आया करेगी, करंट की वैल्यू जो है वो तीनों बैटरीज का करंट एड अप होके इस बैटरी का करंट, इस बैटरी का करंट और इस बैटरी का करंट एड अप होके टोटल सर्किट का करंट बनाएंगे. और अगर हम बात करें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है पैरेलल में हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी. ये वही वाला फॉर्मूला है जो प्रीवियसली हमने डिस्कस भी किया था. सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, अगर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की बात की जाए तो ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स है. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल्स हमारे पास आर बाई एन है, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट की अगर बात की जाए तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, रेजिस्टेंसिस ऑफ सेल
प्लस हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन हमारे पास मिलता जुलता है प्रीवियस वाले एक्सप्रेशन से, लेकिन एक स्लाइट सा डिफरेंस जरा नोट कीजिएगा। इस वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास जो एन था बटे में, वो एन था स्मॉल आर के साथ, लेकिन अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस में देखें तो जो एन आ रहा है वो किसके साथ है, इट इज विद कैपिटल आर। और ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे भी उसी तरह से हम इनको एनालाइज कर सकते हैं, और इस केस में भी एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि इस केस में हमारे पास करंट आउटपुट पे मैक्सिमम आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है किरचॉफ्स रूल। एज वी नो कि अगर हमारे पास सिंपल सर्किट्स हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले, तो वहां पे हम ओहम्स लॉ को यूज करके और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स वाले फॉर्मूले यूज करके हम क्या कर लेते हैं, अपने सर्किट के अंदर जो भी अननोन चीज है उसको एनालाइज कर लेते हैं। चाहे करंट है वो किसी कंपोनेंट में से पास होने वाला, चाहे किसी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज है या रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट है। लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स आ जाए, तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास वो ओहम्स लॉ और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले डायरेक्ट हमें हेल्प नहीं करते, तो वहां पे हम यूज करेंगे किरचॉफ्स रूल। अब किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या है, दो रूल्स हमारे कोर्स में मौजूद हैं। किरचॉफ फर्स्ट रूल, इसको किरचॉफ करंट रूल भी कहा जाता है, इसको KCL के साथ भी जो है वो शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखी जाती है। इसको स्टेट किया जाता है लाइक किरचॉफ करंट रूल स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल दी करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू जीरो। किसी सर्किट के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर जो टोटल करंट्स का सम है वो सम हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी जीरो। दैट मीन्स के जितने करंट्स, इसको अनदर वे स्टेट करने का क्या है कि जितना करंट टोटल जो है वो पॉइंट की तरफ मूव कर रहा होगा, उतना ही करंट उस पॉइंट से अवे भी मूव कर रहा होगा। KCL इज ऑल्सो नेम्ड एज पॉइंट रूल और अनदर पॉइंट अबाउट KCL। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी हमारे पास इस सर्किट के अंदर ये वाले तीन करंट्स I1, I2 और I3 क्या है, पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। I4 और I5 क्या है, ये पॉइंट से दूर जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट, और ये वाले क्या है, ये वाले करंट्स हैं फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब करंट पॉइंट से अवे मूव करे तो कन्वेंशनली उस करंट को हम नेगेटिव साइन देते हैं, और अगर करंट पॉइंट की तरफ मूव कर रहा हो तो उसके लिए कन्वेंशनली पॉजिटिव साइन यूज किया जाता है। तो अगर हम इन सारे करंट्स को इक्वेशन की एक साइड पे लिखें तो पॉजिटिव साइन जो है वो किन करंट्स को मिलेगा जो पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, और नेगेटिव साइन किन को मिलेगा जो करंट्स जो हैं वो पॉइंट से अवे मूव कर रहे हैं। अब ये वाले करंट्स अगर दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास यही वाली चीज बन जाएगी कि सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड अ पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जी, द अननोन करंट इन द नेटवर्क शोन। ये हमारे पास एक नेटवर्क है, इसके अंदर कहता है ये हमारे पास अननोन करंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये अननोन करंट मूव कर रहा है अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, तो हमने पढ़ा है कि टोटल सम ऑफ करंट्स जो मूव कर रहे हैं टूवर्ड अ पॉइंट, करंट्स मूविंग टूवर्ड अ पॉइंट, उनका सम किसके बराबर होगा, करंट्स मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम एनालाइज करें तो 5 एम्पेयर, 4 एम्पेयर और हमारे पास 2 एम्पेयर, ये तीनों करंट्स क्या हैं, पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। इन तीनों को अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास आएगा 5 + 4 + 2, हमारे पास आ जाएगा 11 एम्पेयर इक्वल्स टू करंट्स मूविंग अवे। अब अवे कौन कौन सा है, एक करंट है हमारे पास 3 एम्पेयर और एक है 4.5 एम्पेयर और तीसरा वो करंट है जो मालूम करना है। अगर इन दोनों को ऐड करें हम तो हमारे पास आएगा 4.5 + 3 = 7.5 प्लस हमारे पास ये वाला अननोन करंट, इसको आई ही लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई विल बी 7.5, इस साइड पे ले जाके दूसरी साइड पे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 3.5 एम्पेयर। नेक्स्ट हमारे पास है जी किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ सेकंड रूल स्टेट्स दैट के सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप, प्रीवियसली हमने कहा था सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट या एट अ पर्टिकुलर नोड। तो यहाँ प्रीवियस वाला रूल जो है वो पॉइंट रूल कहलाता था, ये वाला रूल जो है वो किरचॉफ वोल्टेज रूल, इट इज कॉल्ड मैश रूल भी इसको कहा जाता है, इसको लूप रूल भी कहा जाता है। तो ये रूल क्या स्टेट करता है, किसी भी सर्किट के अंदर, किसी क्लोज्ड लूप के अंदर
जो टोटल वोल्टेजेस का सम है दैट इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें हमारे पास केवीएल के बारे में की पॉइंट क्या है, केवीएल जो है इट इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब केवीएल अप्लाई करने में सर्किट से पहले हम कुछ कन्वेंशंस पढ़ते हैं जिनको नाम दिया जाता है रूल्स फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल चेंजेस। स्टूडेंट्स यहां में यहां पे हमारे पास ये दो रूल्स दिए गए हैं, दो कन्वेंशंस कह लें दी गई हैं। अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास एमसीक्यू में आ जाए और पूछ लिया जाए कि ये स्टेटमेंट किस चीज की है, तो याद रखिएगा ये केवीएल की स्टेटमेंट्स नहीं है, बल्कि इनको नाम पर्टिकुलरली यही दिया जाता है, दीज आर द रूल्स टू फाइंड अ पोटेंशियल चेंज। तो पहला रूल है हमारे पास, इफ अ सोर्स इज ऑफ ईएमएफ इज ट्रेवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो उसका पोटेंशियल हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर इससे अपोजिट हो, मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ इज ट्रेवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हो, तो उस केस में ईएमएफ जो है या पोटेंशियल चेंज जो है वो पॉजिटिव की बजाय हम नेगेटिव ले लेंगे। और अगर रजिस्टर की बात की जाए, रजिस्टर इज ट्रेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो उसका पोटेंशियल चेंज क्या है, नेगेटिव आएगा, और वाइस वर्सा उसका पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। लेकिन सर्किट्स के अंदर जब हम डिस्कशन करेंगे तो रेजिस्टर का पोटेंशियल जो है, चूंकि रेजिस्टर एक एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस है, तो उसका पोटेंशियल जो है वो अमूमन नेगेटिव ही ट्रीट करेंगे हम। अब देख लेते हैं एक दो सर्किट्स में हम केवीएल जो है वो लिखना सीखेंगे। दिस इज द फर्स्ट सर्किट, इसमें अगर केवीएल लिखना चाहें तो किरचॉफ वोल्टेज रूल कहता है कि सबसे पहले आपने करंट की डायरेक्शन सर्किट में देखनी होती है। करंट की डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए आपने एनालाइज करना होता है कि ईएमएफ किस सेल का ग्रेटर है। चूंकि E1 ग्रेटर है, तो उसके कोरस्पोंडिंग सर्किट में मैंने करंट लेबल कर दिया दैट करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं इस वाले पॉइंट से लेट से स्टार्ट कर लेता हूं और सारे कंपोनेंट्स का वोल्टेज चेंज लिखता जाता हूं। पहले मेरे पास आएगा E1 कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के अंदर करंट जो है वो मूव कर रहा है, ट्रेवर्स कर रहा है चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो जब चार्ज बैटरी में लो से हाई की तरफ जाए, तो उस चार्ज का, उस बैटरी का जो पोटेंशियल चेंज है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये मेरे पास प्लस E1, उसके बाद प्लस मैंने किया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टर R1। अब रेजिस्टर R1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ओम्स लॉ से IR1। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टिव कंपोनेंट है, इसका पोटेंशियल चेंज या इसने क्या करना है, एनर्जी को डिसिपेट करना है। प्लस हमारे पास है माइनस E2, ये माइनस E2 क्या है, इस बैटरी का पोटेंशियल चेंज है। अब इस बैटरी में चार्ज हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। सिमिलरली हमारे पास ये आ गया IR2, रेजिस्टिव कंपोनेंट है, तो नेगेटिव साइन। सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस को बराबर कर देंगे जीरो के। अब पेपर के अंदर हमारे पास इस तरह इनमें से कोई तीन चीजें या जितने भी टोटल पैरामीटर्स हैं उनमें से एक पैरामीटर अननोन रख के बाकी सारे नाउन करके हमसे वो अननोन पैरामीटर पूछ सकता है। इस वाले सर्किट के अंदर हमारे पास दो लूप्स आ गए, तो दोनों लूप्स के अंदर केवीएल लिखने के लिए हमने सेम कन्वेंशंस को फॉलो किया कि अगर बैटरी के अंदर करंट ट्रैवर्स कर रहा है फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, तो पॉजिटिव पोटेंशियल लिया, अदरवाइज नेगेटिव। और अगर हमारे पास रेजिस्टिव कंपोनेंट है, उसका पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव ही आना है। एक चीज यहां पे एक्स्ट्रा आई कि अगर कोई रेजिस्टर दो लूप्स के दरमियान शेयर हो रहा हो, तो उस रेजिस्टर का पोटेंशियल चेंज लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उस रेजिस्टर में से पास होने वाला नेट करंट लिखते हैं। अब नेट करंट कैसे लिखते हैं, नेट करंट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू करंट्स। एक करंट अगर इसमें से पास कर रहा है I1 जो कि डाउनवर्ड है, दूसरा करंट पास कर रहा है I2 जो कि अपवर्ड है, तो नेट करंट कैसे आएगा, इनका डिफरेंस लेके। अब किस करंट में से दूसरा करंट माइनस करना होता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जिस लूप की आप इक्वेशन लिख रहे हैं उस करंट में से आपने दूसरे वाले करंट को माइनस कर देना है, तो आपके पास ये नेट करंट आ जाएगा। इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें, चूंकि ये हमारे पास कंपोनेंट क्या है, रेजिस्टिव है, तो पोटेंशियल चेंज का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको भी जीरो के बराबर पुट कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास लूप टू की इक्वेशन। अब हम देख लेते हैं जी किरचॉफ सेकंड रूल या केवीएल की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इट इज दैट सर्किट जिसको हम यूज करते हैं टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अब अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज ड्रॉ किया गया है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई भी रेजिस्टेंस अननोन, लेट से इस रेजिस्टेंस R4 को मैं कहता हूं जी ये अननोन रेजिस्टेंस है, तो इस ब्रिज को, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम एक कंडीशन पे ऑपरेट करते हैं जिसको नाम दिया जाता है बैलेंसिंग कंडीशन या बैलेंस्ड ब्रिज सर्किट। वो बैलेंस्ड ब्रिज सर्किट
वो वाली स्टेट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज होती है जिस स्टेट में क्या है गैल्वानोमीटर का करंट जो है वो जीरो हो जाता है। अब जब गैल्वानोमीटर का करंट जीरो होगा तो केवीएल अप्लाई करने से फाइनल जो रिलेशन आता है रेजिस्टेंसेस के दरमियान दैट इज आर वन रेशो आर टू इज इक्वल टू आर थ्री रेशो आर फोर। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये रेजिस्टेंस आर वन थी, दिस वॉज आर टू, दिस इज आर थ्री एंड दिस इज आर फोर। दरमियान वाले जो नोड्स हैं इन वाले नोड्स के दरमियान मेरे पास क्या है कनेक्टेड है एक गैल्वानोमीटर। लेकिन इस वाले सर्किट के लिए तो ये वाला फॉर्मूला ट्रू होगा R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू R3 ओवर R4। लेकिन अगर रेजिस्टेंसेस का ऑर्डर हम चेंज कर दें, मिसाल के तौर पे इस रेजिस्टेंस की जगह हम रख लें R3, इस रेजिस्टेंस की जगह हम रख लेते हैं लेट से R2, इस रेजिस्टेंस की जगह हम रख लेते हैं लेट से R4, और इस वाली रेजिस्टेंस की जगह रख देते हैं R1 लेट से। तो अब अगर मैं लिखना चाहूं इसी बैलेंस्ड ब्रिज का फॉर्मूला, तो हम ब्रिज बैलेंस्ड ब्रिज का फॉर्मूला लिखने के लिए एक ट्रिक यूज करेंगे। दिस इज जी लेटर कैपिटल जी, इसके एक इस वाले स्टार्टिंग नोड के ऊपर एक रेजिस्टेंस लेट से इट इज आर ए, इस नोड के ऊपर एक रेजिस्टेंस लेट से इट इज आर बी, और यहां पे दरमियान में क्या लगा हुआ है गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। इस नोड के ऊपर रेजिस्टेंस जो है उसको मैं नाम दे देता हूं आर सी, और यहां पे क्या है इट इज आर डी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा रेशो हम कैसे लिया करेंगे, द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस एट सेकंड नोड ऑफ जी लेटर इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस एट थर्ड नोड डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस एट फोर नोड। आई मीन टू से मैं इसको कैसे लिखूंगा, आर ए पहले नोड की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर बी जो के दूसरे नोड की रेजिस्टेंस है इज इक्वल्स टू आर सी डिवाइडेड बाय आर डी। तो ये मेरे पास जो है वो इसको व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड स्टेट में लिखने का रेजिस्टेंसेस की जो है कॉम्बिनेशन उनको लिखने का फॉर्मूला। तो अगर ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं ये जो वैल्यूज मैंने मॉडिफाई की थी इनको लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या आएगा, आर थ्री डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस जो कि आर टू थी इज इक्वल्स टू ये रेजिस्टेंस जो कि मेरे पास अब मैंने क्या कर दी है आर फोर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आर वन। तो अगर मैं रेजिस्टेंस इसको चेंज कर दूं तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई किया जा सकता है। अब एक एमसीक्यू देख लेते हैं, कहता है द केवीएल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सर्किट्स। तो स्टूडेंट्स आप प्रीवियसली जैसा कि हमने दो सर्किट्स के लिए लिखा था केवीएल, वही एनालॉजी यूज करके जब इस सर्किट को एनालाइज करेंगे तो यू विल एनालाइज कि इस सर्किट की जो केवीएल इक्वेशन बनेगी फॉलोइंग द कन्वेंशन हमारे पास अल्फा ऑप्शन बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इट इज पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर जो है उसको डिस्कस करने से पहले हम एनालाइज कर लेते हैं वोल्टेज मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास कॉमनली यूज होते हैं। पहले नंबर पे हम यूज करते हैं एनालॉग वोल्टमीटर। अब एनालॉग वोल्टमीटर जो है ये अगर कॉस्ट वाइज देखा जाए तो इनएक्सपेंसिव होता है, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसकी रीडिंग 100% एक्यूरेट नहीं होती। डिजिटल वोल्टमीटर जो है वो एक्यूरेट तो होता है, बट डिजिटल वोल्टमीटर जो है उसके अंदर फ्लॉ क्या आता है, इट इज एक्सपेंसिव। सिमिलरली सीआरओ जो कि अनदर वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसकी रीडिंग भी एक्यूरेट तो होगी बट इसकी रीडिंग बट ये वाला सीआरओ जो है इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव डिवाइस। तो हमारे पास लास्ट पे फिर आता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल की मेजरमेंट करेगा और वैल्यू हमें एक्यूरेट देगा, और साथ ही साथ में इसका सेकंड जो है वो बेनिफिट क्या है, ये एक्यूरेट रीडिंग देता है और कॉस्ट भी इसकी क्या होती है, कम होती है। तो पोटेंशियोमीटर हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम मल्टीपर्पजेस के लिए यूज करते हैं। अब वो मल्टीपर्पजेस क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट पर्पज कैन बी इसको हम यूज कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए। जैसा कि इसका नाम ही बताता है पोटेंशियोमीटर इज व्हाट इट इज पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियो वाला वर्ड जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस से एसोसिएटेड है, और मीटर का जो वर्ड है इसका मतलब जो है वो हम मेजरमेंट की सेंस में लेते हैं। तो पोटेंशियोमीटर से अगर वोल्टेज मेजरमेंट करनी हो या हम इसको एज अ वोल्टेज डिवाइडर, जैसा कि हमने रियोस्टैट को वोल्टेज डिवाइडर यूज किया था, अगर इसको पोटेंशियोमीटर को उस पर्पस के लिए यूज करें तो हमारे पास फॉर्मूला ये वाला वही रियोस्टैट का पोटेंशियल डिवाइडर वाला फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। इसमें रेजिस्टेंसेस की जगह हम लेंथ की रेशियो भी पुट कर सकते हैं। स्मॉल एल क्या होगा, इट विल बी द लेंथ बिटवीन द स्लाइडिंग टर्मिनल एंड वन ऑफ द फिक्स टर्मिनल, और कैपिटल एल क्या होगा टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर।
अब टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर अमूमन जो है वो कितनी होती है, इट इज 400 सेंटीमीटर। दूसरा, इस डिवाइस को यूज किया जा सकता है टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। अब ईएमएफ मालूम करने के लिए हम यहां पे यूज करते हैं रिलेशन अननोन ईएमएफ जो है वो बराबर होगी हमारे पास स्मॉल एल, इसको हम यहां पे स्मॉल एल को नाम देते हैं, इट इज अ बैलेंसिंग लेंथ, इट इज द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर डिवाइडेड बाय कैपिटल एल विच इज द टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर मल्टीप्लाइड बाय ई विच इज द नोन ईएमएफ जो इस सर्किट में मौजूद होती है। अब ऑब्वियसली इसका प्रैक्टिकल जो सर्किट है इस फॉर्मूले से रिलेटेड वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये प्रैक्टिकल्स में भी आपने पढ़ा हुआ है, एफएससी के अंदर भी इस फॉर्मूले की जो डेरिवेशन और इसका सर्किट है बेसिक वो एनालाइज किया हुआ है। अगर हम इसको कंपैरिजन के तौर कंपैरेटर के तौर पे यूज करना चाहें पोटेंशियोमीटर को, तो पोटेंशियोमीटर को यूज करके दो ईएमएफ्स का कंपैरिजन भी किया जा सकता है। वो कंपैरिजन का फॉर्मूला क्या है, ई वन ओवर ई टू इज इक्वल्स टू एल वन ओवर एल टू। एल वन और एल टू क्या है, एल वन विल बी द बैलेंसिंग लेंथ जब ई वन ईएमएफ वाला सेल सर्किट में कनेक्टेड होगा, एल टू क्या होगा हमारे पास, इट विल बी द बैलेंसिंग लेंथ जब सेल जिसकी ईएमएफ ई टू है उसको हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर एल वन एल टू की रेशियो जो है वो इक्वल हो या एल वन और एल टू की वैल्यू बराबर हो आपस में, तो ईएमएफ जो है वो दोनों बराबर आ जाएंगी। अगर एल वन ग्रेटर हो हमारे पास एल टू से, तो उसके करस्पॉन्डिंग ईएमएफ ई वन ग्रेटर होगी, और अगर एल वन स्मॉलर हो एल टू से, तो ईएमएफ ई वन स्मॉलर होगी ई टू से। एंड लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस लेक्चर इज पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब ये भी एक प्रैक्टिकल है, इसको भी प्रैक्टिकल्स के अंदर डिटेल स्टडी किया गया है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से यही था, एंड दैट इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। फॉर फर्दर प्रैक्टिस प्लीज कंसल्ट स्टेप प्रैक्टिस बुक। थैंक यू वेरी मच।